अभी मेरी बात ध्यान से सुन। नीचे जाकर सबसे कह दे कि प्रमुख जी ध्यान में बैठे हैं, एक बड़ा तमाशा करना है तुझे, है ना कृपा? अब अपनी अपनी बेटी की जान ले लेंगे? महंत बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी। आई नो नील, मुझ पर भरोसा करना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अब सालों से प्रमुख जी के साथ इस घर में रहे। लेकिन नील, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। अब प्लीज मेरे साथ एक बार चलकर उस रिलीफ कैंप में गुड़िया को ढूंढ लीजिए, और उस गुड़िया के अंदर जो मैसेज रिकॉर्डेड है, वो मैसेज सुनकर आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ। नहीं, प्रमुख जी ने ही सरस्वती का कत्ल किया है। चाहत, खुद से ज्यादा तुम पर यकीन कर रहा हूं, तुम्हारा कहा मानकर उस आदमी को गलत मानकर। पड़ गई तेरे कलेजे को ठंडक, अपने नाटक से हमारे धर्म कार्य में विघ्न तो डाल ही दिया ना तूने। आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ, और आज मैं सबके सामने प्रमुख जी की असलियत ला कर रहूंगी। फूफा जी, बाबा, फूफा जी कृपा कमरे में नहीं है अपने। कृपा कमरे में नहीं है? प्रमुख जी के पास देखा? उनके पास भी शायद। बाबा, मैंने पूरा कमरा देख लिया, पूरा घर देख लिया, कृपा कहीं नहीं मिल रही है, और प्रमुख जी ध्यान में बैठे। बाबा, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, लग रहा है कृपा किसी मुसीबत में है। बाबा, नवेली कैसी बातें कर रही हो, कृपा घर के अंदर ही होगी, तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। चलो चल कर देखते, चलो। हाँ चलो। तुम अंदर आने की हिम्मत ही मत करना, जाओ यहाँ से। मुझे मालूम है मैं उस गुड़िया तक ना पहुंच सकूं, इसलिए प्रमुख जी नहीं चाल चल रहे हैं। या अल्लाह, मैं गोलू को बचाऊंगी कि गुड़िया लेने जाऊं?